टू माय YouTube चैनल चुलबुली नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी जो हम लोग याद करते हैं उसको हम चेक कैसे करें कि और उसका जवाब हम कुछ सेकंड में कैसे दे पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वोकैबुलरी हमने याद किया है लेकिन वो कभी कभी कुछ सेकंड में उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और ना ही दिमाग में आ पाता है, याद है फिर भी जवाब नहीं आता मुंह पे। तो इसके लिए, इसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं चाहे वो मिना नो निहोंगो हो या फिर गेंकी हो या फिर अदर जो भी बुक हो, आपने जो चैप्टर याद किए हैं उस चैप्टर के वीडियो को आप ओपन कीजिए और उस चीज़ को सुनिए और उसके जवाब देने से पहले आपको जवाब देना होगा, आपको उसका आंसर बताना होगा। जैसे आपने कुछ वोकैबुलरी याद की, जैसे मैं असी तो इसका मतलब होता है लेक, तो वीडियो में बोलने से पहले आपको जवाब देना है कि असी मीन्स होता है लेक, हाना हाना मीन्स होता है फ्लावर, हा इसका मतलब होता है टूथ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मुझे, मैं अपना बताती हूँ, मैं खुद अभी बिगनर हूँ और मैंने अभी तक जेएलपीटी N5 का एग्ज़ाम नहीं दिया है। इस बार दिसंबर में 5 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है मैं भी उस एग्ज़ाम को दूंगी, तो थोड़ा सा प्रेशर तो बना हुआ है इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, वोकैबुलरी याद रहने के बावजूद भी हम उसका आंसर नहीं दे पाते कुछ सेकंड में। और लिसनिंग में है कि जहाँ तक है आपको कि वोकैबुलरी याद है तो आप लिसनिंग को अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस तरीके को अपनाइए और आप देखिए और आप चेक कीजिए कि आपने कितना वोकैबुलरी याद किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस तरीके से रिवीजन करने पे आपको इम्प्रूवमेंट हुआ, इसके कुछ फायदे मिले या फिर नहीं मिले। इसी तरह नॉलेज की और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। सायोनारा।